हेलो, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट का सेशन में हम लोग मार्की टैग, एंकर टैग, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। इसी में हम लोग एंकर टैग के लास्ट सेक्शन के ऊपर जा रुके थे। एंकर टैग के लास्ट में हम लोग कुछ ऑप्शंस को पढ़ना बचा हुआ था, जिसके अंतर्गत हम लोग किसको फोन नंबर को, व्हाट्सएप को या ईमेल को, इस सबको लिंक करना देखने वाले थे, जो कि आगे चल के हमें बार बार यूज में आने वाले हैं। व्हाट्सएप लिंक देखते हो ना, कहीं पे कॉल का साइन दिया रहता है, उस कॉल पे क्लिक करते हो वो कॉल हो जाता है वहां पे। तो वैसे कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, ईमेल लिंक या कॉल लिंक या फिर व्हाट्सएप लिंक, व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली व्हाट्सएप हो जाता है, इन सब लिंक का यूज करना है तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए भी आपको एंकर टैग ही टाइप करना होता है। तो हम लोग चलते हैं अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाले 25 10 एंकर वाले में ही चलते हैं। इसके अंदर आप लोगों को कल पीडीएफ फाइल वगैरह भी लिंक करना बताए थे, वीडियो पिक्चर फाइल वगैरह भी लिंक करना बताए थे। इसमें से क्या करेंगे, एडमिट कार्ड को, एडमिट कार्ड नहीं, इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक करते हैं हम लोग और इसको एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस पे क्लिक कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि कल का सारा टैग हमारे पास, सारा कोड ये देख रहे सकते हो यहाँ पे ओपन होके आ गया। इसी में हमको क्या करना है, एक कॉल को लिंक करना है और वहां पे कॉल का इमेज रहेगा और वहीं से कॉल होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, जो भी यहाँ पे लिंक दिख रहा है पहले इसको हम एक बार को रन भी कर लेते हैं, डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे इंडेक्स पर। चलिए इसको रन कर लिए। रन करने के बाद इसमें न्यू टैब में एक इमेज आप लोग डाउनलोड कर लो कॉल आइकॉन के नाम से, एक ईमेल आइकॉन भी डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि हमें आज इसका जरूरत पड़ने वाला है, और एक व्हाट्सएप आइकॉन भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, सबका आइकॉन डाउनलोड कर लेना। कॉल का कौन सा आइकॉन सही रहेगा, कोई सा भी, पीएनजी पे क्लिक करके एक पीएनजी आइकॉन लेना है हमें, कोई सा भी एक पीएनजी आइकॉन डाउनलोड कर लीजिए, कलरफुल कॉल, नॉर्मल, जो सही लगे आपको। ठीक है, कॉल आइकॉन इस पर हम क्लिक करते हैं। गो बैक, इस तरह का सस्पिशियस वेबसाइट हो और गो बैक का साइन दे रहा है, पहले ही येलो साइन दे रहा है। ये सब कब साइन आएगा, एंटीवायरस होना चाहिए तभी जाकर साइन आता है। आइकॉन 8 इस वेबसाइट से चलते हैं, कॉल आइकॉन फ्री डाउनलोड पीएनजी, ईमेल को भी तब तक चेक करते हैं हम लोग, ईमेल का भी पीएनजी, व्हाट्सएप का भी हम लोग पीएनजी लेंगे। पीएनजी से क्या होता है, ठीक है, तो कॉल पे चलते हैं। देखो इतना सारा आइकॉन सारा है, बहुत सही है, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग सर्च करके कोई भी आइकॉन डाउनलोड कर सकते हैं। जब इतना अच्छा अच्छा सा आइकन है मेरे पास, कौन सा, इसको क्लिक कर लेते हैं, हल्का सा ग्रीन, या इसको कोई भी क्लिक कर लो, ओपन होना चाहिए। ईमेल का भी चेक करते हैं, ईमेल का ये क्लिक कर लेते हैं, ये ओपन हो रहा है इमेज, इसके ऊपर राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओपन इमेज इन न्यू टैब, न्यू टैब में अच्छे से ओपन होगा इमेज, ये लग रहा है डाउनलोड भी हो गया, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से व्हाट्सएप भी अच्छा सा देख करके डाउनलोड कर लेना यहाँ से, पीएनजी ट्री से, पीएनजी इमेज है, देख रहे हो ना, बैक में ट्रांसपेरेंट आना चाहिए जिससे पता चल रहा हो, देख रहे हो ना, बैक से लग रहा होगा इमेज थोड़ा सा ऊपर की उठा हुआ, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और ओपन इमेज इन न्यू टैब, जैसे न्यू टैब पे क्लिक किए यहाँ देखिए इस तरीके से इमेज आना चाहिए। ठीक है, वो इससे पहले वाला आया नहीं, डायरेक्टली डाउनलोड हो गया, वो भी अच्छी बात है, और नहीं तो इस तरीके से न्यू टैब में ओपन होना चाहिए, उसके बाद राइट क्लिक और क्या कीजिएगा यहाँ से सेव इमेज, जैसे सेव पर क्लिक कीजिएगा पूछेगा कहाँ डाउनलोड करना है, तो हमको 20 जनवरी वाले फोल्डर में तो नहीं करना है डाउनलोड, हमें 25 जन वाले में करना है। 25 में जाते हैं, असिस्ट के अंदर, किसके अंदर, असिस्ट में आईएमजी, आईएमजी के अंदर क्या नाम दे देंगे, व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप, और सेव एज टाइप क्या है, पीएनजी, यानी कि फाइल का नाम क्या होगा, व्हाट्सएप डॉट पीएनजी हो जाएगा, सेव कर दीजिए, बस सेव हो गया हमारा फाइल, अब इसे क्लोज कर दीजिए।
व्हाट्सएप मेरा डाउनलोड हो गया, व्हाट्सएप क्लोज कीजिए, ईमेल भी राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब कीजिए ना, ये ओपन होने के बाद डाउनलोड ही हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। इसी तरीके से हमें कॉल का भी मिल जाता तो बहुत सही रहता मेरे लिए, कोई बात नहीं, कॉल को यहाँ से डाउनलोड ऑप्शन दे रहा है, डाउनलोड ही कर लेते हैं। ठीक है, 48x48, 96x96, कोई एक को डाउनलोड कर लीजिएगा, 96x96, लाइट डार्क जो भी है डाउनलोड कीजिए, हमको PNG इमेज चाहिए बस, इतना सही, मतलब हमें डाउनलोड हो गया तीनों इमेज। यहाँ से ओपन इन फोल्डर आइकॉन का ये दो इमेज मेरे पास डाउनलोड हो रखा है, कंट्रोल एक्स, और हम लोग अपने फोल्डर पे चलते हैं 25th जैन वाले में, असिस्ट IMG, कंट्रोल भी इसको F2 के साथ, F2 बटन कीबोर्ड पर प्रेस कीजिएगा, रीनेम का साइन आ जा रहा है, इसको ईमेल टाइप कर देते हैं और इस पे कॉल टाइप कर देते, छोटा सा नाम रखिए जिससे क्या हो पता चले, email.png इसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा, call.png इसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा, whatsapp.png के साथ नाम आ जाएगा। चलिए अब हम अपने 25th फोल्डर पे आ जाते हैं फिर से वापस, क्या असिस्ट के अंदर कहाँ पे जाना पड़ रहा है, IMG, IMG के अंदर ये सारे पिक्चर हैं, तो यही हमारे पिक्चर का पाथ होगा जिसे हमें ध्यान में रखना है, और इस सबको डिलीट कट कीजिए, इसको भी कट कीजिए। आइए अपने कोड के ऊपर, कोड के ऊपर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो फॉर मोर डिटेल्स रहता है लिखा हुआ ना, कॉल एंकर ट्रैक एच रैप इक्वल टू, ठीक है, कॉल के लिए आप चाहो तो कॉल लिख सकते हो, ठीक है, और एंकर टैग को कॉल क्लोज कर दीजिए। मेन मेरा क्या रहता है, एच रैप पे ध्यान देना रहता है, एच रैप के अंदर क्या लिखेगा, अगर किसी के नंबर पर, किसी के नंबर पे डायरेक्टली कॉल पे क्लिक करें कॉल हो जाए, तो इसके लिए टेल इंस टू लीक करके, टेल इंस टू टाइप कर, जैसे इससे पहले हम लोग जो भी इमेज वगैरह लिंक करना तो इमेज का एड्रेस डाल के, फाइल लिंक करना फाइल का एड्रेस, या वेबसाइट लिंक करना वेबसाइट का एड्रेस हम लोग डाले, वेब पेज को तो वेब पेज को, रिलेटिव लिंक करना था तो वेब पेज का लिंक, एब्सोल्यूट लिंक करना था तो वेबसाइट का एड्रेस, और उसी में एक और लिंक आ गया था आपको कौन से कहते हैं, जो एक ही वेबसाइट के अंदर के पेज को लिंक करवा रहा था, तो वहां पे भी क्या करते, एक पेज से दूसरे पेज के सेक्शन को तो उसका आईडी हम लोग डाल रहे थे, इस तरीके से हम लिंकिंग का वर्क किए पूरा, तो यहाँ तक किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से टेल दे करके यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया हुआ है, तो हम भी सिंपली किसी का भी नंबर टाइप कर सकते हैं, बस यहाँ पे लिखना क्या है, टेल इज टू +91 जरूर लिखना है, ये अपने इंडिया कोड है, या जिस भी देश का हो उस देश का कोड यहाँ पे टाइप होगा, उसके बाद जिसका मोबाइल नंबर यहाँ पे देना हो उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है, किसी का भी यहाँ पे मोबाइल नंबर हम लोग टाइप कर सकते हैं, टेल इज टू लिखना एकदम मस्ट है +91 तक, उसके बाद आप नंबर चेंज कर सकते हो, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, टेल इज टू +91, और कॉल लिखा हुआ तो इट मीन्स क्या, कि कोई भी पर्सन ये कॉल नामक ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेगा डायरेक्टली ये कॉल हो जाएगा, कैसे होगा, यहाँ आते इसको रिफ्रेश करते हैं, देखना है डाउनलोड PDF के जस्ट बगल में कॉल लिखा हुआ है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखो ये क्या कह रहा है, ये अगर मेरे फोन में रहता तो डायरेक्टली नंबर जो है मेरे डायलर डायलर पर आ जाता है, वहां पे से कॉल हो जाता है। ओपन पिक एन ऐप, यानी कि यहाँ से कोई हम अपने इस ईमेल से, जो भी ईमेल अभी इस वेबसाइट के ऊपर ओपन है, तो वही सेम ईमेल अपने मोबाइल में अगर ओपन रखते हैं तो मोबाइल में क्या करता है, डायरेक्टली मोबाइल के ऊपर नंबर भेज देता है, क्योंकि दोनों नेट को हमेशा ऑन रखते हो, दोनों कनेक्टेड रहता है, मोबाइल पे कॉलिंग करवा देता है, ठीक है, तो यहाँ से कॉलिंग डायरेक्टली हो सकता है। दूसरा तरीका, हम आइकन क्यों डाउनलोड किए, तो आप क्या कीजिए, लोगों को यूजर को अच्छा लगे चीजें, इसके लिए यहाँ पे हम IMG ट्रैक को ला सकते हैं, IMG के अंदर SRC लिख सकते हैं, पिछले क्लास में जो बताए थे, डायरेक्टली IMG को भी क्या कर सकते हैं, लिंक के रूप में टैग कर कनेक्ट कर सकते हैं IMG को, इमेज को ही, तो यहाँ पे क्या करेंगे, /, से कैंट फोल्डर, कैंट फोल्डर मतलब कौन सा फोल्डर, अरे देखो इंडेक्स जिस जगह पे है उसी फोल्डर के अंदर असिस्ट है ना, तो हम क्या बताया कि /, का मतलब कैंट डायरेक्टरी के अंदर, तो ये पूरे कैंट डायरेक्टरी को पकड़ा है, लेकिन कैंट डायरेक्टरी में कहाँ जाना, इमेज कहाँ मिलेगा, असिस्ट फोल्डर के अंदर, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, फिर हम टाइप करेंगे असेट्स, ठीक है, उसके बाद स्लैश करेंगे, स्लैश का मतलब असिस्ट के अंदर, फिर स्लैश दिए तो यानी कि
ये किसको डिफाइन बता रहा है, करंट डायरेक्टरी के अंदर डॉट किसको होता है, करंट डायरेक्टरी। तो करंट डायरेक्टरी के में स्लैश दिए इसमें मतलब क्या, करंट डायरेक्टरी के अंदर चला गया। करंट डायरेक्टरी के अंदर कौन सा, असिस्ट, असिस्ट का स्लैश दिए तो असिस्ट के अंदर चला गया। असिस्ट के अंदर भी कहाँ पे, तो मेरा इमेज कहाँ मिलेगा, आई एम जी के अंदर, तो यहाँ पे हम आई एम जी टाइप करेंगे। सब यहाँ पे एकदम ध्यान देना, ये नहीं कि बस हम बोलते जा रहे हैं और आप लोग सोने लग जाना, फिर कुछ नहीं समझ पाओगे आप लोग। यहाँ पे आई एम जी के अंदर भी किस नाम से है, तो कॉल को कनेक्ट करना है, कॉल लिखा हुआ है इमेज का नाम, आइटम टाइप क्या है, पी एन जी दिया हुआ है, तो हम सिंपली यहाँ पे कॉल डॉट पी एन जी टाइप कर देंगे, कंट्रोल एस कर दिए। अब हमें अपने प्रोजेक्ट पे अल्ट टैब से अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, रिफ्रेश करते, देखो यहाँ पे कॉल का साइन है, जैसे कोई कॉल पे क्लिक करेगा कॉलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक किया जाता है इमेज को, कॉल को, जिसको भी लिंक करना हो। इमेज का साइज अगर मान लो आपके मन के लायक नहीं है, इसको टैब, सॉरी यहाँ पे बी आर टैग हम दे देते हैं, जिससे लाइन क्या हो मेरा नीचे आ जाए। एंकर टैग को इस तरीके से लिखते हैं, बी आर को नीचे कर देते हैं जिससे आपको अच्छा लगे देखने में। और एंकर टैग का क्या करो, इसका विड्थ थोड़ा छोटा कर दो, 48 वाला ही हमको लेना चाहिए था, ज्यादा अच्छा रहता। कोई बात नहीं, 48 पिक्सल यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं, इमेज दिखेगा थोड़ा छोटा होगा कि नीचे आ जाएगा। रोटेट वगैरह करना हो तो सी एस एस से रोटेट करना वगैरह भी हम लोग सीखेंगे आने वाले टाइम में। यहाँ पर तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद वॉइस वगैरह सबको क्लियर आ रहा है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एवरीवन। जब हमारा इमेज लिंक हो गया, कॉल लिंक हो गया, कॉल हम लोग कर सकते हैं, तो सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ईमेल को भी लिंक करके देखेंगे। सेम सारी चीजें लिखाएगा ईमेल के लिए, ये नहीं कि कुछ अलग सा, एंकर टैग ही आएगा, एचरेफ ही आएगा, एचरेफ के अंदर ही सारी बातें। फिर से यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कीजिए, यहाँ पर देखो फिर से यही सारी कंडीशन, क्योंकि ईमेल के लिए भी हम एक क्या कर रखे हैं, मेल को ला के रखे हुए हम अपने पास, तो मेल को हम अपने पास ले आ रखे हैं, तो मेल को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे ईमेल के लिए, ईमेल डॉट पी एन जी, बस ईमेल तो आ गया। लेकिन इसको कनेक्शन के अंदर क्या हम लिंक डालें कि किस लिंक से कनेक्ट करना, नहीं डाले हैं। तो लिंक कैसे डालेंगे, मेल का, मेल का लिंक देखो सिंपल सा रहता है, जिस भी मेल से कनेक्ट करना उस मेल का आईडी डाल। ठीक है, जैसे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग इस पे डाल सकते हो, द प्रोग्रामिंग साइट्स, ठीक है, @gmail.com, इस पे आप लोग अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, वहां पे हम देखते भी है मेल, तो हम बता देंगे क्या प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है। ठीक है, अगर कोई चीज, कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो तो यहाँ भी सेंड कर सकते हो अपने मेल को, अपने मेल आईडी से। तो अब देखना इसको हम कैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, देखो मेल का साइन आया, जैसे मेल पे क्लिक करेंगे सीधा जीमेल को ओपन करवा देगा। अच्छा, मेरे पास द प्रोग्रामिंग साइट्स @gmail.com नॉट फाउंड, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मेल तो ओपन हो रहा है, डायरेक्टली ये हमें मेल भेजा था, कोई बात नहीं, एक बार को चेक कर लेते हैं फिर से। हाँ यही मेल है ना, अच्छा एस लगा हुआ है लास्ट में, कुछ चेंजिंग किया गया हूँ। कोई बात नहीं, एंकर टैग टैग सर्च कर लेंगे गूगल पर, एंकर टैग ईमेल लिंकिंग ऐसे करके सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा है ना, कोडिंग ऐसा चीज है कि इसमें सारी चीजें याद रहने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ चीजें भूलोगे, कुछ याद रहेगा। बड़ी बात ये होती है कि आपको जो चीजें आप भूले हो ना, उसको सर्च करना कितना जल्दी आ रहा है, मेल टू लिखना है। चलिए, हमें लग रहा था कि ऐसा ही कुछ छूट रहा होगा, जैसे कॉल में कॉल लिखना है, मेल टू इंस्टू कर देना, बस ये वर्ड आपको, कीवर्ड को लिखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के ये मेल कर पाएगा।
ठीक है, नहीं तो वो एक वेबसाइट, सिंपल सा वेबसाइट का लिंक समझ रहा है आप। अब इसको जैसे क्लिक किए, ये देखिए क्या रहा है, किसके थ्रू आपको मेल करना है बताइए। जैसे हम गूगल क्रोम को ओपन करके और जस्ट वन करेंगे तो गूगल क्रोम पे हमें ओपन कर पाएगा, और मेरा मेल यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया, ये मेल को ओपन कर देना चाहिए था, और मेल पे डायरेक्टली हमें कंपोज तक ले जाता है। मोबाइल में ऐसा क्लिक करना, मोबाइल में सीधा आपके जीमेल पे जाएगा, कहेगा कि ये मेल है, इस मेल से किसका, उसका जिसका भी मेल हम लिंक किए उसका मेल यहाँ पे लिखा हुआ दिखा देता। जो भी मेल जो हम लिंक किए ना, दो प्रोग्रामिंग साइट्स मोबाइल में ये चीज को इस तरह से करना, और प्रोग्रामिंग साइट्स पे ही कहता है कि हम भेजने जा रहे हैं मेल। अब आप अपना जो भी एड्रेस वगैरह है, वेब पेज, यहाँ सब्जेक्ट, ये सारी चीज टाइप कीजिए और सेंड कीजिए। ये ऐसे मेल आता, जैसे हम इस पर क्लिक किए ये चीजें ऐसे ही ओपन होना चाहिए था। ठीक है, जैसे मेरे डायरेक्ट आउटलुक से ओपन करवा रहा है, तो हमें आउटलुक से नहीं करना ओपन। ठीक है, आउटलुक में देखना डायरेक्टली मेल भेजने के लिए चला गया, ये होता है। सेम काम अब किसके साथ होगा, मेरे लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सेम काम मेरे लिए कौन करेगा, व्हाट्सएप करेगा। कैसे करेगा, व्हाट्सएप का भी लिंकिंग कुछ इसी तरीके से कर देना है आप लोगों को। सिंपली एंकर टैग, फिर से एंकर टैग, एच रेफ इक्वल टू स्लैश एंकर टैग। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी सेम जो चीज आप कॉपी किए हुए हो, इसके बाद व्हाट्सएप पे जाकर whatsapp.png कर दीजिए। देखते हो ना, वेबसाइट वगैरह पे बस इमेज रहता है, और बस उस इमेज पे क्लिक करते हो व्हाट्सएप हो जाता है, मेल हो जाता है। अब कैसे होता है भाई, बस इतनी सी बातें लिखा रहता है। वो लोग भी ये करते हैं, https://api.whatsapp.com सेंड फोन, जिस नंबर पे भेजना है, क्या भेजना है, एंड टेक्स्ट करके भेजते हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं, आपको भेज के दिखा भी देते हैं, आप लोगों को ऐसा करते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इतना हम टाइप करने नहीं जाने वाले हैं, इसलिए कॉपी कर रहे हैं। आप बस इतना भी टाइप कर दोगे ना तो भी चलेगा। कितनी चीज है, api.whatsapp.com सेंड फोन, इतना तक टाइप कर दो, इससे ज्यादा नहीं टाइप करोगे तो भी चलेगा। आप कहिएगा ये एंड टेक्स्ट क्यों है, एंड टेक्स्ट इसलिए है कि अगर हम इस टेक्स्ट पे, इस फोन पे लिंक करवाते हैं ना, तो उस पर क्या लिखा होना आना चाहिए। ये चीजें आपको %20 दे करके हर एक वर्ड के लिए इस पे देना। जैसे वेलकम टू लिखना है तो वेलकम %20 दे दीजिए, वेलकम टू, फिर स्पेस लेना है तो %20 देकर प्रोग्रामिंग साइट हाउ मे आई हेल्प यू, बस इस तरीके से %20 करके। आप बस यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर तक ही लिख देना, कंट्रोल एस कीजिए। आपका व्हाट्सएप ओपन होना चाहिए, एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट जो है सो इसी के अंदर पे, ब्राउजर के अंदर कहीं ना कहीं ओपन है, या कंप्यूटर में, जैसे क्लिक कीजिएगा ये डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप के ऊपर ले जाएगा वेब पे, और कहेगा व्हाट्सएप पे क्या भेजना है, देख रहे हैं ना, कह रहा है कि इस नंबर से आप चैट कीजिए, हाउ वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट हाउ में, और कह रहा है कि ये यहाँ पे व्हाट्सएप लग रहा है कि इंस्टॉल नहीं है, या व्हाट्सएप वेब जो है सो ओपन नहीं है, यूज व्हाट्सएप वेब पे ले जा रहा है। फिर वहां के थ्रू कहेगा अब अपना व्हाट्सएप को जो है यहाँ कनेक्ट कीजिए, हम मैसेज भेज देते हैं। देख रहे हो ना प्रॉपरली कितना अच्छा ही वर्क कर रहा है। अच्छा, एक और चीज, कई बार हमें क्या होता है कि ये सब चीजें हम क्लिक कर रहे हैं ना, तो ये सब एक नया टैब में ओपन हो गया है, यहीं पे मत ओपन हो, इस पे ओपन हो रहा है तो फिर से बैक करना पड़ रहा है, इससे ना यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेकार हो जाता है। ये अगर नया टैब में ओपन हो जाता है, मेरा वेबसाइट ऐसे ही ओपन रहता है, तो यूजर ना बस वो नए वेबसाइट पे जाता, व्हाट्सएप कर देता, फिर मेरे वेबसाइट पे और कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहिए, क्लिक करते मेरे वेबसाइट पे जाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूजर बैक नहीं होना चाहेगा लेकिन क्लिक करके आ जाएगा। इसके लिए जो एंकर टैग होता है ना, इसमें एक और चीज हम डाल देंगे, टारगेट। टारगेट इक्वल टू क्या डालेंगे, अंडर स्कोर ब्लैंक, लोगों को बता रखे हैं अंडर स्कोर सेल्फ से क्या होता है, उसी टैब के अंदर नया चीज ओपन हो जाएगा। अंडर स्कोर ब्लैंक क्या करेगा, देख रहे ना एकदम नया टैब लगा मेरा, ये वैसे ही बता, इधर व्हाट्सएप ओपन है तो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली ले गया, हाउ मे आई हेल्प यू करके आ रहा है। समझ रहे हो यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है किसी को, एवरीवन? क्लियर है यहाँ तक सारी चीज? तो
एंकर ट्रैक में आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज के लिए इस एंकर ट्रैक के लिए यहीं तक रहने देते हैं।